तो दोस्तों हम बात करें डिस्ट्रीब्यूट इंडिया के स्टॉक के बारे में। डिस्ट्रीब्यूट इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखें जो स्टॉक है कि पहले यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड में था और लगातार अपने यहाँ पर स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था, लेकिन जब से स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया हमारे यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेजी यहाँ पर देखने में लगी है। यहाँ से हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ से हमको स्टॉक में 21.30 का जो लेवल है ये यहाँ पर स्टॉक में नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको स्टॉक में 24.50 और अगर ये स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक कर देता है तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 28 और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 30 तक के लेवल से यहाँ पर देखने मिल सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। भाई यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो गिरावट के कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 18.25 यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर देखने मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको स्टॉक में 16.75 भाई इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 15.25 तक के लेवल से यहाँ पर देखने मिल जाएंगे नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो कोई बाय सेल होल्डिंग सारा नहीं है। वीडियो के बाद एजुकेशन पर्पज के लिए धन्यवाद।